औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ बद्दी से गुजरने वाले एकमात्र नेशनल हाईवे 105 के फोरलेन के निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय लोगों ने उठाए सवाल। कहा, प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में 2003 में औद्योगीकरण तो हुआ है, और जिसके कारण प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से लोग यहाँ रोजी रोटी की तलाश में आए हैं। लेकिन जो सुविधाएं 2003 से ही मिलनी शुरू होनी चाहिए थी, वह आज तक भी मिलनी लोगों को शुरू नहीं हुई है। आलम यह है कि अब तक सड़कों की ही दशा सरकार सुधारने में नाकाम साबित हुई है, जिसके चलते अगर बद्दी से लेकर नालागढ़ नेशनल हाईवे की बात की जाए तो इस सड़क पर 2005 से लेकर अब तक सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, या फिर यह कहे कि सैकड़ों लोगों की बलि देने के बाद अब सरकार जागी है और सरकार द्वारा फोरलेन का निर्माण कार्य शुरू करवाया गया है। आलम यह है कि अब तक सड़कों की ही दशा सरकार सुधारने में नाकाम साबित हुई है, जिसके चलते अगर बद्दी से लेकर नालागढ़ नेशनल हाईवे की बात की जाए तो सरकार द्वारा फोरलेन के निर्माण कार्यों को शुरू करवाने को लेकर स्थानीय लोगों में जहां खुशी का माहौल है, वहीं स्थानीय लोगों ने इस बात पर भी सवाल उठाए हैं कि फोरलेन के निर्माण को लेकर सरकार ने इतने साल क्यों लगा दिए और क्यों सरकार सैकड़ों लोगों की बलि के बाद ही जागी। लोगों ने कहा है कि जब प्रदेश में औद्योगिकरण हुआ था तो उस समय ही सड़क जैसी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए थी, लेकिन सड़कें तो वही पुरानी चल रही थी, लेकिन उनमें आवाजाही बहुत ज्यादा बढ़ गई और बद्दी से लेकर नालागढ़ सड़क की खस्ता हालत होने के बावजूद यहाँ पर 2005 से लेकर अब तक सैकड़ों लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में। हाँ, ये समस्या एक्चुअली जब 2002-03 में यहाँ पे इंडस्ट्री आई तो होना तो ये चाहिए था, और होता भी ऐसा ही है कि सरकार पहले इंफ्रास्ट्रक्चर लाती है, रोड तैयार करती है, और उसके बाद ही इंडस्ट्री को किसी जगह पे सेटअप किया जाता है। चलो, हिमाचल में उन्होंने एक बहुत बड़ी देन थी इंडस्ट्री का, लेकिन इंडस्ट्री आने के बावजूद भी जिस तरीके का काम यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और यहाँ पे इंडस्ट्री तो आती गई, उससे पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ती गई, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में कोई भी सरकार, जितनी भी अभी तक सरकारें आई हैं, वो सारी की सारी नाकाम रही हैं। और इसमें अभी भी जैसे नेशनल हाईवे जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, अभी इसका जो इस नेशनल हाईवे का जो रोड का निर्माण का कार्य जो अभी चल रहा है वो बहुत ही धीमी गति पे है, और जहां तक मुझे अभी याद है कि शायद अभी तक से जो लैंड जो लीज ली गई थी या एक्वायर की गई थी, अभी उसका भी क्लैरिफिकेशन अच्छे तरीके से नहीं हो पाया, तो जिसकी वजह से अभी आप देख सकते हो कि रोड कुछ जगह पे थोड़ा सा तैयार हो गया है, कुछ हाई कुछ जो फ्लाईओवर कुछ बन गए हैं और कुछ बन रहे हैं, लेकिन अभी बहुत ही धीमी गति से कार्य चला हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां, ट्रैफिक से रिलेटेड बहुत सारी परेशानियां आ रही है। और एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होने की वजह से ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया है, और यहाँ पे हर रोज लगभग एक ना एक एक्सीडेंट तो जरूर होता है, और यहाँ पे अभी तक मेरे हिसाब से हजारों में रोड एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो चुकी है, और मुझे नहीं लगता है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी तक उन ब्लैक स्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया है। और इसके साथ साथ सरकारों के साथ साथ मैं नालागढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसमें पूरा जिम्मेवार मानता हूँ कि वो भी अभी उस तरीके से अपना रोल प्ले नहीं कर रहे जिस तरीके से उनको करना चाहिए। यहाँ पे लोगों को ट्रैफिक से रिलेटेड बहुत समस्या है, दो दो तीन तीन घंटे जाम लगा रहता है, नालागढ़ से बद्दी तक की दूरी तय करने में आपको 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। अभी जैसे बरसात का मौसम है तो बरसात में पानी जो खड्डे हैं उनमें पानी भर जाता है, कुछ उसका प्रॉपर आइडिया नहीं रहता, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ियों का नुकसान होता है, लोगों को धूल मिट्टी इन सब समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और लोगों को हेल्थ के भी बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं जी। और मेरा सरकार से यही प्रार्थना है कि आप जल्दी से जल्दी युद्ध स्तर पर इसका कार्य का निर्माण पूरा करें, और ताकि यहाँ के लोगों को निजात मिल सके। हाँ, ये समस्या एक्चुअली जब 2002-03 में यहाँ पे इंडस्ट्री आई तो होना तो ये चाहिए था, और होता भी ऐसा ही है कि सरकार पहले इंफ्रास्ट्रक्चर लाती है, रोड तैयार करती है, और उसके बाद ही इंडस्ट्री को किसी जगह पे सेटअप किया जाता है। चलो, हिमाचल में उन्होंने एक बहुत बड़ी देन थी इंडस्ट्री का, लेकिन
इंडस्ट्री आने के बावजूद भी जिस तरीके का काम यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और यहाँ पे इंडस्ट्री तो आती गई, उससे पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ती गई, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में कोई भी सरकार, जितनी भी अभी तक सरकारें आई हैं, वो सारी की सारी नाकाम रही हैं। और इसमें अभी भी जैसे नेशनल हाईवे जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, अभी इसका जो इस नेशनल हाईवे का जो रोड का निर्माण का कार्य जो अभी चल रहा है वो बहुत ही धीमी गति पे है, और जहां तक मुझे अभी याद है कि शायद अभी तक से जो लैंड जो लीज ली गई थी या एक्वायर की गई थी अभी उसका भी क्लैरिफिकेशन अच्छे तरीके से नहीं हो पाया, तो जिसकी वजह से अभी आप देख सकते हो कि रोड कुछ जगह पे थोड़ा सा तैयार हो। वैसे तो BBNT जो है ये इंडस्ट्रियल एक हब के रूप में जाना जाता है, लेकिन यहाँ के लोग मूलभूत सुविधाएं से वंचित है। यहाँ के रोड और यहाँ का प्रदूषण जितना भी है ये लोग झेल रहे हैं, इनके कारण लोग बीमार भी हो रहे हैं, और सड़क की वजह से यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट में मारा जाता है, जिस पे सरकार का कोई ध्यान नहीं है। और रोड वाले इतनी धीमी गति से काम कर रहे हैं कि मतलब नाम मात्र ही काम चलाया हुआ उन्होंने, आज की रेट में कहीं भी काम रोड पर दिखाई नहीं दे रहा। और जहाँ तक पुलों की बात है, इन्होंने दोनों में जो जितने पुल है कोई भी कंप्लीट नहीं किया, सभी अनकम्प्लीट पड़े हैं, और जिसकी वजह से धूल मिट्टी से लोग इतने परेशान हैं कि मोटरसाइकिल वालों का तो चलना बहुत मुश्किल है। सरकार से गुजारिश है कि यहाँ पे पुलों का काम चला हुआ वहाँ कम से कम पानी के टैंकरों द्वारा छिड़काव किया जाए, और इस रोड का काम जल्दी से जल्द पूरा करने का अनुरोध किया जाए ताकि ये लोग जो है ऐसी सुविधाओं को लाभ उठा सके। वैसे तो BBNT जो है ये इंडस्ट्रियल एक हब के रूप में जाना जाता है, लेकिन यहाँ के लोग मूलभूत सुविधाएं से वंचित है। यहाँ के रोड और यहाँ का प्रदूषण जितना भी है ये लोग झेल रहे हैं, इनके कारण लोग बीमार भी हो रहे हैं, और सड़क की वजह से यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट में मारा जाता है, जिस पे सरकार का कोई ध्यान नहीं है। और रोड वाले इतनी धीमी गति से काम कर रहे हैं कि मतलब नाम मात्र ही काम चलाया हुआ उन्होंने, आज की रेट में कहीं भी काम रोड पर दिखाई नहीं दे रहा। और जहाँ तक पुलों की बात है, इन्होंने दोनों में जो जितने पुल है कोई भी कंप्लीट नहीं किया, सभी अनकम्प्लीट पड़े हैं, और जिसकी वजह से धूल मिट्टी से लोग इतने परेशान हैं कि मोटरसाइकिल वालों का तो चलना बहुत मुश्किल है। सरकार से गुजारिश है कि यहाँ पे पुलों का काम चला हुआ वहाँ कम से कम पानी के टैंकरों द्वारा छिड़काव किया जाए, और इस रोड का काम जल्दी से जल्द पूरा करने का अनुरोध किया जाए ताकि ये लोग जो है ऐसी सुविधाओं को लाभ उठा सके। वैसे तो BBNT जो है ये इंडस्ट्रियल एक हब के रूप में जाना जाता है, लेकिन यहाँ के लोग मूलभूत सुविधाएं से वंचित है। यहाँ के रोड और यहाँ का प्रदूषण जितना भी है ये लोग झेल रहे हैं, इनके कारण लोग बीमार भी हो रहे हैं, और सड़क की वजह से यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट में मारा जाता है, जिस पे सरकार का कोई ध्यान नहीं है। और रोड वाले इतनी धीमी गति से काम कर रहे हैं कि मतलब नाम मात्र ही काम चलाया हुआ उन्होंने, आज की रेट में कहीं भी काम रोड पर दिखाई नहीं दे रहा। और जहाँ तक पुलों की बात है, इन्होंने दोनों में जो जितने पुल है कोई भी कंप्लीट नहीं किया, सभी अनकम्प्लीट पड़े हैं, और जिसकी वजह से धूल मिट्टी से लोग इतने परेशान हैं कि मोटरसाइकिल वालों का तो चलना बहुत मुश्किल है। सरकार से गुजारिश है कि यहाँ पे पुलों का काम चला हुआ वहाँ कम से कम पानी के टैंकरों द्वारा छिड़काव किया जाए, और इस रोड का काम जल्दी से जल्द पूरा करने का अनुरोध किया जाए ताकि ये लोग जो है ऐसी सुविधाओं को लाभ उठा सके। वैसे तो BBNT जो है ये इंडस्ट्रियल एक हब के रूप में जाना जाता है, लेकिन यहाँ के लोग मूलभूत सुविधाएं से वंचित है। यहाँ के रोड और यहाँ का प्रदूषण जितना भी है ये लोग झेल रहे हैं, इनके कारण लोग बीमार भी हो रहे हैं, और सड़क की वजह से यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट में मारा जाता है, जिस पे सरकार का कोई ध्यान नहीं है। और रोड वाले इतनी धीमी गति से काम कर रहे हैं कि मतलब नाम मात्र ही काम चलाया हुआ उन्होंने, आज की रेट में कहीं भी काम रोड पर दिखाई नहीं दे रहा। और जहाँ तक पुलों की बात है, इन्होंने दोनों में जो जितने पुल है